अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आपको बता दें, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सावित्रीबाई फूले महिला छात्रावास का शिलान्यास करेंगे। तो शाम को उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी भी इस दौरान उनके साथ रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कई कार्यक्रम यहां पर होंगे जिसमें वे शिरकत करेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शाम को उत्तर प्रदेश की जनता को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कई कार्यक्रम यहां पर उनके होंगे और शाम को जनता को वो संबोधित करेंगे, साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो खबर अधिक जानकारी लेंगे, स्टेट एडिटर आरसी भट्टी जुड़ गए हैं। आरसी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेश दौरा है, कई कार्यक्रम उनके वहां पर होने वाले हैं और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रमों में तो वे शिरकत करेंगे ही, और किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, तो किन मायनों में ये दौरा और अहम देखा जाए? देखिए, राष्ट्रपति का दौरा किसी भी चुनाव से प्रभावित नहीं होता है या किसी चुनाव को लेके नहीं होता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति पूरे देश के राष्ट्रपति हैं और किसी मायने में इसका कोई चुनावी दौरा नहीं है, ना चुनावी कोई फायदा है, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के इनका गृह प्रदेश है। तो स्वाभाविक सी बात है कि देश के राष्ट्रपति होने के नाते अपने प्रदेश के भी जो है वो उनको एक लगाव रहता है। हर व्यक्ति को, जब वो व्यक्ति उच्च पद पर पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप से ये अक्सर वो अपने गृह प्रदेश में आते रहते हैं। अभी पिछली बार वो कानपुर आए थे और तमाम अपनी उन पुरानी जगहों पर वो गए और पुराने मित्रों से मिले और अपनी पुरानी यादें ताजा किया उन्होंने, जिससे उनको बहुत अच्छा लगा और उनका उत्तर प्रदेश में काफी सम्मान भी हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं ये, और ही बहुत ही सौम्य व्यक्ति, ईमानदार, और इनकी जितनी भी जो छवि है वो बहुत ही शानदार रही है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का ये दौरा एक तरह से इनका अपने गृह प्रदेश का दौरा है, और इसमें खासतौर पर अगर सरकारी कार्यक्रमों की बात अगर हम करें तो 26 अगस्त को ये आ रहे हैं, और उसके साथ साथ बाबा साहेबराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में का कार्यक्रम है, दीक्षांत समारोह है, और उसके साथ साथ सावित्री बाई फूले महिला छात्रावास है उसका शिलान्यास करेंगे। फिर 27 अगस्त को 11 बजे से 12 बजे सैनिक स्कूल में इनका कार्यक्रम है सरोजनी नगर में, जो कैप्टन मनोज पांडे के नाम से सैनिक स्कूल समर्पित है। और उसके साथ साथ पीजीआई का जो दीक्षांत समारोह है, पीजीआई जो उत्तर प्रदेश में पीजीआई है, बड़ा खासतौर पर मेडिकल संस्थान है, इसमें 5 से 6 बजे तक जो है वहां भी दीक्षांत समारोह है। तो ये इनके 2 दिन के जो कार्यक्रम हैं वो हम लोगों के पास आए हुए हैं, और इसमें बाकायदे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके साथ साथ आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, ये लोग राष्ट्रपति जी की अगवानी करेंगे और उसके साथ साथ उनके साथ साथ रहेंगे, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, और पूरी तरह से जो है ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं देश को समर्पित है, प्रदेश को समर्पित है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आरसी भट्ट जी। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में 2 दिन का वैक्सीनेशन